भारतीय सेना का नाम दुनिया की टॉप 5 सेनाओं में गिना जाता है। भारतीय सेना को शक्तिशाली बनाते हैं सेना के जवान और हथियार। भारतीय सेना में भी पद का एक क्रम होता है जिसके अनुसार सेना में कार्य किए जाते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सेना में रैंक का क्या क्रम है, तो इसके लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। नंबर एक पे आता है फील्ड मार्शल। वैसे तो थल सेना में सबसे ऊंची रैंक फील्ड मार्शल की होती है। यह पद किसी को सम्मान के रूप में दिया जाता है या किसी नियमित अधिकारी को नहीं दिया जाता है। जैसे अगर किसी अधिकारी ने युद्ध या किसी ऑपरेशन में अच्छा प्रदर्शन किया हो तो उसे यह पद दिया जाता है। और अभी तक यह रैंक सिर्फ दो अधिकारियों को दी गई है, जिसमें से एक करियप्पा और दूसरे सेम मानिक शो हैं। हालांकि अपिया उपाधि किसी को नहीं दी जाती है। वही नंबर दो पे आता है जनरल। ये भारतीय थल सेना की सबसे ऊंची रैंक होती है और इन्हें कमांडर इन चीफ भी कहा जाता है। जनरल रैंक के अधिकारी की वर्दी पर एक क्रॉस्ड बैटन और सैबर और एक स्टार के साथ अशोक स्तंभ लगा होता है। इस पद पर अधिकारी को 3 साल के लिए नियुक्त किया जाता है या 62 साल तक की एज के लिए होता है। वही नंबर तीन पे आता है लेफ्टिनेंट जनरल। जनरल के बाद की रैंक होती है लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल की वर्दी पर अशोक स्तंभ के साथ बैटन और सैबर क्रॉस लगे होते हैं। इस पद पर कमिश्ड सर्विस के द्वारा अधिकारी नियुक्त किया जाता है। इस पद पर 60 साल तक के अधिकारी रह सकते हैं। वही नंबर चार पे आता है मेजर जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल के बाद के अधिकारी मेजर जनरल होते हैं। मेजर जनरल का पद भारतीय सेना में नेवी के रियर एडमिरल और एयरफोर्स के एवीएम की रैंक के बराबर होता है। मेजर जनरल पद पर कमिश्ड सर्विस के आधार पर नियुक्ति की जाती है। वही नंबर पांच पे आता है ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर मेजर जनरल के नीचे की रैंक होती है। यह एक ब्रिगेड का प्रमुख होता है और इस पद पर भी नियुक्ति कमिश्ड सर्विस के आधार पर होती है। ब्रिगेडियर की वर्दी पर 3 स्टार और एक अशोक स्तंभ लगा होता है। वही नंबर छह पे आता है कर्नल। कर्नल पद पर कमिश्ड सर्विस के आधार पर नियुक्ति की जाती है। इस पद के अधिकारी की वर्दी पर 2 स्टार और एक अशोक स्तंभ लगा होता है। इसके आगे के प्रमोशन को सिलेक्शन के आधार पर किया जाता है। वही नंबर 7 पे आता है लेफ्टिनेंट कर्नल। इस रैंक को प्राप्त करने के लिए 13 साल की सेवा करना अनिवार्य होता है। इस रैंक के अधिकारी की वर्दी पर अशोक स्तंभ और एक स्टार होता है। नंबर 8 पे आता है मेजर। मेजर रैंक के अधिकारी की वर्दी पर एक अशोक स्तंभ लगा होता है। वहीं मेजर पद पर 2 साल की सेवा के बाद प्रमोशन किया जा सकता है। कैप्टन मेजर से नीचे का पद कैप्टन का होता है। सेना में 2 साल बगैर कमिश्ड सर्विस अधिकारी काम करने के बाद कैप्टन के रैंक पर प्रमोशन होता है। कैप्टन की वर्दी पर 3 स्टार होते हैं। वही नंबर 9 पे आता है लेफ्टिनेंट। यह भारतीय सेना में शुरुआती कमिश्ड रैंक होती है। IMA, OTA जैसी एकेडमी में ट्रेनिंग के बाद जब जवान अधिकारी पास आउट होते हैं तो वो लेफ्टिनेंट बनते हैं। इसके बाद उनका प्रमोशन होता है। लेफ्टिनेंट की वर्दी पर 2 स्टार लगे होते हैं। वही नंबर 10 पे आता है सूबेदार मेजर। लेफ्टिनेंट से नीचे पद पर ज्वाइंट कमिश्ड ऑफिसर में गिने जाते हैं। ज्वाइंट कमिश्ड ऑफिसर में सूबेदार मेजर का पद सबसे बड़ा होता है। सूबेदार मेजर की वर्दी पर एक अशोक स्तंभ के साथ 2 लाल पट्टी के बीच एक पीली पट्टी भी होती है। वही नंबर 11 पे आता है नायब सूबेदार। नायब सूबेदार का पद सूबेदार के बाद आता है। नायब सूबेदार की वर्दी पर 1 स्टार और लाल पीली रंग की पट्टी होती है। यहाँ पर हमने आपको सेना के क्रम और उनके रैंक के बारे में बताया है।